नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। आपका व्यक्तित्व आपका आईना है और व्यक्तित्व के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अच्छी मुस्कुराहट, आपके हेयर्स, आपके क्लोथिंग्स और इसके साथ ही आपका ओरल डेंटिशन और आने वाली वातावरण की आवाज़ें और सुगंध। अगर आपने कभी देखा होगा कि किसी की बात करते समय स्मेल आ रही है उसके मुँह से, तो उसका पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन हो जाता है, उसके बाद कोई बात करना पसंद नहीं करता। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है ना। तो देखिए, दो तरह के इसमें हम कारण होते हैं। तो पहले तो ये होता है कि टेम्प्रेरी जो स्मेल आती है और एक होता है परमानेंट स्मेल आ रही है। टेम्प्रेरी स्मेल जो आती है यानी कि बैड ऑडर, बैड ब्रेथ कहते हैं इसको, तो मुंह से आने वाली दुर्गंध जो है टेम्प्रेरी किस लिए होती है? आपने लहसुन की मम्मी ने बढ़िया सी चटनी बनाई, आपने खा ली, तो प्याज और बहुत सारा धनिया का सेवन किया है, तो कुछ समय के लिए तो आपको निश्चित तौर पर ये सेवन होगा। लेकिन अगर हमारी ये तो माउथ वॉश करेंगे, आप मिंट की कोई लॉजेंजेस वगैरह लेंगे तो इससे ये ठीक हो सकता है, दो बार तीन बार ब्रश करेंगे हो जाएगा। लेकिन जब ये परमानेंट बैड ब्रीथ की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जानना होगा कि क्या रीज़न हो सकते हैं। पहले हम सिस्टमिक डिजीज़ की बात करते हैं, यानी कि इसको इस तरह से बांट सकते हैं कि इंट्रा ओरल और एक्स्ट्रा ओरल। तो इंट्रा ओरल का मतलब होता है दांतों से संबंधित। तो इंट्रा ओरल में क्या क्या चीज़ें होगी कि आपके दांत अगर आड़े तिरछे हैं तो उसमें आपका खाना फंस रहा है, जब खाना फंस जाता है और ख़राब हो जाता है तो स्मेल करता है, इसमें जो सल्फ़र के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं। अगर हमारे जीभ पर कोटिंग है जो प्रॉपर क्लीन नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी आपको बैड ब्रीथ आती है। अगर दांत में कहीं कैविटी है और उसके अंदर खाना फंसा हुआ है, उसके कारण भी हो रहा है। अगर बहुत सारा डेंचर्स पहने हुए हैं आपने या प्रोसेसेस पहनी हुई है जहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही, यानी कि आपने FPD लगाया हुआ है यानी नकली दांत लगाए हुए हैं जिसके अंदर खाना फंसा हुआ है और ख़राब हो गया और निकल नहीं पा रहा या प्रॉपर क्लीन नहीं हो पा रहा, या आप माउथ वॉश करने के हैबिचुअल नहीं हैं, तो इस वजह से भी स्मेल आती है और हमारी पर्सनैलिटी डिग्रेड होती है। इसके अलावा जो रेगुलर इम्प्लांट्स कर रहे हैं लेकिन गम्स का ध्यान नहीं रख रहे, उनके लिए भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। पायोरिया यानी पेरियोडोंटाइटिस यानी कि मसूड़ों की बीमारी, उसके कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये तो हो गए इंट्राओरल, इनका समाधान क्या है? डेंटिस्ट के पास जाकर आड़े तिरे दांतों को रेगुलर बनवाइए, अच्छी तरह से क्लीनिंग रखिए, स्केलिंग या पॉलिशिंग करवाते रहिए यानी कि दांतों को साफ कराते रहिए। डेंचर्स में क्लीनिंग बने रहे इसके लिए एक आजकल आता है वाटर फ्लॉसर, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आजकल आते हैं, बहुत कीमती नहीं होता। वाटर फ्लॉसर अमेजिंग है, इमीडिएटली आपकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। उसके साथ ही साथ एक रीज़न जो होता है इसके साथ, जो एक्स्ट्रा ओरल की हम बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा ओरल में कौन कौन सा हो सकता है? सिस्टमिक डिजीज़ यानी कि डायबिटिक्स अगर जो पेशेंट है, अगर लीवर डिजीज़ है, अगर GIT डिसऑर्डर है यानी कि पेट खराब रहता है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह के डिसऑर्डर्स के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण भी बैड ऑर्डर होती है यानी बैड ब्रेथ आती है, तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व हमारा आईना होता है और उसके कारण ही हमारी प्रोग्रेस काफ़ी डिपेंड करती है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और डेंटिस्ट को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक हमारे घरेलू उपचार में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर आपकी दो बार ब्रश होना है, एक बार नमक के कुनकुने पानी के गरारे होना है, ये आपका कॉन्स्टेंटली रहना है। ब्रश और टूथपेस्ट आपको कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना है। अगर आप दो बार टूथपेस्ट ले रहे हैं तो एक बार आप फ़र्ज़ कीजिए कि एलोपैथिक ले रहे हैं, तो दूसरी बार आयुर्वेदिक जरूर यूज़ कीजिए। इस तरह से अगर ड्यूअल कर रहे हैं तो दोनों में जो जो कंटेंट्स की कमी है वो अपने आप पूरी हो जाती है। दो महीनों के अंदर ब्रश जरूर चेंज कीजिएगा। घर पे अगर आप हैं तो हल्दी के पानी का सेवन, तुलसी के 5 से 10 पत्तियों को आप चबा चबा के रोज खाइए, और भोजन के बाद सौंफ और मिश्री के मिश्रण को मिला के खाइए। आप जाते हैं ना होटल्स में, कई बार आपको सौंफ और मिश्री रहती है, उसका कारण क्या होता है पता है? ये साइंटिफिक रीज़न है, ये एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल तो होता ही है, लेकिन ये हमारे ओरा फ्लोरा के केमिकल चेंज करता है जिसके कारण आपको बदबू बिल्कुल नहीं आती है या स्मेल नहीं आती है। तो सौंफ और मिश्री का सेवन जो आपको है वो दिन में दो बार कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये ब्लड थिनर के तौर पे भी काम करता है और बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव भी होता है, जिससे आपका GIT के जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि सौंफ में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और जब भी आप फाइबर्स वाला कोई भी खाना खाते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है।
तो जब भी कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो किसी को भी, तो सौंफ का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय से हमारी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है जिस पे आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सीधा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने उपलब्ध है, 8120202052, और नंबर है 9200200300। हमेशा आपके साथ मुस्कुराता हुआ उपस्थित हो। आप अपना ध्यान रखिए। आप मेरे लिए और अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम एंड जय हिंद।